हाँ जी, एरे से आगाज करते हैं। एरे के घर में मरीख और जुपिटर दोनों आए हुए हैं। मरीख के आने की वजह से उनमें बड़ा पुरज़्म है, ज़रूर ज़्यादा तवानाई है। ठीक है। और इस तवानाई को संभालने के लिए कहीं से नौ दूसरों को मुक्के मारने शुरू कर दें, इनके लिए ज़रूरी है कि इस तवानाई को संभालने के लिए वर्जिश करें, तवाज़ुन पैदा करें। और ये जो मुश्ती आया हुआ है, ये इनके ज़िंदगी में खुशकिस्मती लाया हुआ है। ठीक। और इनके मसाइल हल होते चले जा रहे हैं। इनके जो प्राइवेट लाइफ है, हमले अफराद को चाहिए कि प्राइवेट लाइफ में ज़रा नरमी पैदा करें। जहाँ तक रोमानी मामला का तल्लक है, ज़रूर ज़्यादा जोश व खरोश है मरीख की वजह से। इनको चाहिए कि टक से काम लें, ज़रूर ज़्यादा जोश व खरोश से आगे ना बढ़ें। दूसरी पार्टी जोश व खरोश का नजायज़ फ़ायदा उठाती है। आम जो इनके हालात हैं, इनको एक और बड़ी पॉलिसी ख़राब है सर, वो ये है कि ये जो भी इनके साथ काम करने वाले हैं उन पर इनका अतमाद नहीं है, और इस तरह करके अपनी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ये उनके साथ ये नरमी से पेश आएँ, उनकी मदद करें, और ये जहन में रखें कि कल मुझे भी मदद करने की ज़रूरत पड़ सकती, मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़रा अपनी पॉलिसी को थोड़ा बदला लें और अपने साथ काम करने वालों पर थोड़ा सा एतमाद करें। अब मैं आता हूँ सॉरी हज़रात की जी, टॉरस जी, टॉरस टॉरस जो है इनके भी आज बहुत ज़्यादा खुद अतमादी बढ़ी हुई है। खुद अतमादी बढ़ने की वजह से ये ज़ाहिर है आगे बढ़ रहे हैं सोशली प्रोफेशनली, और बड़े बड़े लोगों के साथ इनके तलकात कायम हो रहे हैं। उन तलकात को फ़ायदा उठाना चाहिए इनको, और उनकी प्रोफेशनली उनके बड़े काम आ सकते हैं। और उसके अलावा रोमानवी तौर पर बड़े खुशगवार वक्त इनका गुजरता नज़र आता है इस गर्मी में। रोमांस का दूसरा नाम गर्मी है, जज्बाती गर्मी रोमांस का दूसरा नाम है। गर्मी गर्मी को काटती है, लोहा लोहे को काटती है, यहाँ जो गर्मी इजाफा कर रही है। तो ये जो उनकी रोमानवी जिंदगी है, बड़ी खुशगवारी है आजकल। ओके, लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं प्रोफेशनली, पेशा वराना तौर पर आपने जो काम सर अंजाम दिए हैं लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और रोमानवी तौर पर अगर इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं, आप कुछ उकताए हुए हैं, ऐसा ना करें, नज़रअंदाज ना करें। अगर इख्तलाफात हैं वो भी जल्दी बहाल हो जाएंगे, मामला को संभालने की कोशिश करें। तो रोमानवी मामला जब बहाल होते हैं तो पहले से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। तो आप भी इसी तरफ आ रहे हैं कि आप एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे। लड़ाई के बाद जो कहते हैं दोस्ती होती है ना, बड़ी स्ट्रांग होती है, ये नफसियाती असर होने वाला है सॉरी हज़रात पर। अच्छा, तो कैरियर के लिहाज से आपकी जो हिकमत अमली है माशाल्लाह कामयाब हो गई है, और लोग आपको सराह रहे हैं। खुद इतमादी से जो आपने तलकात पैदा की है उनसे फ़ायदा उठाएं। अब मैं आता हूँ जोजी हज़रात की तरफ। जेमिनी जोजी, जेमिनी जेमिनी, आप अपने काम की जो लगन है, आप में जो अहलियत है, काबिलियत है, इससे आप पेशा वराना तौर पर आपकी पोजिशन माशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अगर प्रोफेशनली काम की जगह कोई झगड़ा आए तो आप अपनी खुद इतमादी से उस झगड़े से निपट लेंगे। आप अगर रोमानवी तौर पर आपका किसी तल्लुक है तो उसमें कोई नए पहलू आ रहे हैं। नए पहलू से क्या मुराद? वो जो नए पहलू आ उसकी वजह से आपके तलकात शायद अपने पार्टनर से मजीद बेहतर हो जाएंगे। मतलब कोई नए एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं या क्या? नए पहलू क्या मतलब? आप जेमिनी हैं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या सवाल किया आपने? मैं कह रहा हूँ कि नए पहलू से आपकी क्या मुराद है? नए पहलू ऐसे है कि कोई शख्सियत के पहलू सामने नहीं आया, वो सामने आ जाएगा। अच्छा, यानी कोई पोशीदा चीज नहीं। कई दफा होता है ना, जो जो आता है आपके तलकात बढ़ते हैं, एक दूसरे की शख्सियत के नुमाया पहलू तरह। अच्छा, ठीक है, यानी यू आर एक्सप्लोरिंग द पर्सनैलिटी। तो हाँ जी, वो कुछ होने वाला है, मजीद गुर्बत की वजह से मजीद शख्सियत एक दूसरे के सामने आ जाएंगी और एक दूसरे के आईना बन जाएंगे, यूं समझिए। और इससे फिर रोमांटिक लाइफ में बड़ी माशाल्लाह तेजी आने वाली बताएगी। हाँ जी, और काम के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से आप सही जा रहे हैं जोजी हज़रात, और आपकी तारीफ की जाएगी। और एक दूसरी बात यह है कि आपकी खुद इतमादी में इतना इजाफा हो चुका है, आपके घर सूरज है, आपके घर अतारत है, और इन्होंने आपको इतना तेज़ किया हुआ है, आपके जहनी खुद इतमादी इतनी है कि आप में कोई कशिश पैदा हो रही है, उसे भी लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम कैंसर की तरफ आते हैं, शैतान की तरफ आते हैं, और देखिए शैतान हज़रात अक्सर तरह तरह से, मैं ये बात जब करता हूँ तो आप सोचते होंगे ये इस बात को बार बार तस्कर क्यों करता है, लेकिन प्लैनेट के रूप से मुझे कहना पड़ता है कि आप बहुत जल्दी इश्तियाल में आ जाते हैं, आप बहुत एहसास हैं, और इस इश्तियाल अंगेजी में आपको बड़ी बदमिजाजी आए आप में, और इस बदमिजाजी से आपने पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। इन दिनों आप मजीद गुल खिलाने वाले हैं, तो आप पेशा वराना तौर पर कुछ ख्याल करें अपना, और इस बदमिजाजी को कंट्रोल में ले आए। आपके जो अजवाजी जिंदगी है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, मजीद नाखुशगवारी से आपको वास्ता पड़ेगा।
प्राइवेट जिंदगी में भी इसका आप पर असर पड़ गया, जो आपका आपके रोमानवी लाइफ है, तो आप ऐसा करें अपने इस इश्तियाल अंगेजी हसासियत को कंट्रोल करें। ज़रा ज़रा सी बात पर आप भड़क उठते हैं, भड़क उठते हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर वर्ड, थैंक यू। आप भड़क उठते हैं और भड़क उठने से ये जो आपके सारे हालात ख़राब हैं, हर चीज़ मुतासर हो रही है, तो आपके लिए जो वाहिद लफ्ज़ आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी हसासियत को कंट्रोल करें सतानी हजरात, और अपनी बदमजगी को और बदमिजाजी को कंट्रोल करें। सारे मामलात आपने ख़राब किए हुए हैं और अगर इसी तरह करते रहे तो मामलात मजीद ख़राब हो सकते हैं। ये आपने मेरे मोहतरम कह रहे हैं जी, इसे भी नोट कर लें। मैं जनाब ने जो गाइडलाइन दी है उसकी नज़र में बात को आगे बढ़ा रहा। गाइडलाइन ली है जैसे ऐसा लगता है कि आप उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अब आते लियो असद जी, लियो की तरफ आते हैं। वाह, ये जो लियो हजरात हैं इनका दूसरा नाम रोमांस है, तो आज इस हफ्ते में भी आपको नया रोमांस है इनका, बहुत ही उस रोमांस से ये खुशगवार वक्त गुजारते नजर आते हैं। न्यू रोमांस, न्यू रोमांस मीन्स एवरी टाइम देयर इज रोमांस। अच्छा, तो इस वक्त जो है मौजूदा जो है बड़ा खुशगवार वक्त नजर आता है, वो विश यू बेस्ट ऑफ इट, और बड़ी खुशगवार जो सूरत हाल आपको नसीब होगी, इससे आपको सुकून मिलेगा। जहाँ तक आपके करियर का तलक है, आप दूसरों को अपनी अहलियत कबलियत मेहनत से बहुत मुतासर करेंगे अपने आला अफसरान को, तो आप कोशिश करें और करियर की जगह अपने सूरत हाल को बेहतर बनाएं। आसिफ जरदारी साहब का भी यही है ना प्लैनेट, अगर मैं भूल नहीं, आसिफ जरदारी का यही है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा साल है, कौन सा वक्त है, वो पता नहीं कौन सा असद है, क्योंकि आपने रोमांस की बात की, लेकिन एक बात जो आपने की है ना कि आपके कामों से बहुत आपके बॉस या इर्द-गिर्द लोग बहुत खुश होंगे, तो वो जिस तरीके से उन्होंने साजिश बनाई है और जो कर रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ा रोमांस तो उन्होंने किया है। तो यूं आपके जो कैरियर है आप अपने उसमें भी अहलियत का जादू जगा रहे हैं, काबिलियत अहलियत मेहनत, और आपके जो आला अफसरान है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। प्रमोशन आपको मुबारक। प्रमोशन? यस, प्रमोशन नज़र आता है। इसका मतलब फिर सदर बनने वाले हैं? प्रमोशन में जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कोई उनकी मजीद तनख्वाह बढ़ जाएगी, या यूँ समझिए मजीद जिम्मेदारी मिल जाएगी। हाँ, जिम्मेदारी की बात करें मगर नासिफ अली जरदारी ने किससे तनख्वाह लेनी है साहब? वेल, आप उनके बारे में कुछ और अगर फरमाना चाहें। नहीं सर, नहीं, मैं ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जनाब सवाली हजरात की तरफ। अच्छा, नहीं, मैं अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा इनके बारे में एक और सवाल कर लूं। किसके जी? ये लियो के बारे में, क्योंकि ये जरदारी साहब का प्लेनेट है, इसलिए मैं ये सवाल करना चाहूंगा। जो जो वो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उनका जोड़ तोड़ है या जिस तरह मूव्स कर रहे हैं, वो प्लेनेट्स क्या बताते हैं, विल ही बी सक्सेसफुल इस हफ्ते में? पहले तो ये चीज है कि जो भी उनके साथी हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि ही इज द मैन, सबके बारी है ये मैन ऑफ द मैच। अच्छा, मैन ऑफ द मैच है। वो तारीफ कर रहे हैं कि इन्होंने खूब निभाया है, काम को समझा है, अच्छी पॉलिसी बनाई है, और अब भी वो पूरे जोर तोड़ से लगे पड़े हैं। ठीक है, जो आपने सवाल किया उसका यही जवाब है, ही इज इन द फुल स्विंग, मूविंग स्विफ्टली। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ही इज द पॉलिटिशियन इन माय कंट्री। ठीक है, आप उनके जरा देखें ना कारकर्दगी को, किस तरह पॉलिसी बनाकर किस तरह वो अपने जनाब मामलात को हल करते हैं। आ जाए जी, अब वर्गो सुम्बला। हाँ जी, सुम्बला वर्गो सर, उसके बारे में ये है जी कि आप बड़ी कामयाबी आपको मिल रही है, आपके दसवें खाने में सूरज है, आपके दसवें खाने में तारा है, जो कि आपका अपना रूलर है, तो अगर अपना रूलर दसवें खाने में आ जाए तो और क्या चाहिए, तो आपको बड़ी कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं, और आपको कुछ धमकी दे रहा है, धमकी देने का आप सही मुकाबला करें, आप धमकी सुनने के बाद आप में बदमिजाजी आ गई है और आप जज्बात में आए हुए हैं, ये आप इस तरह ना निपटाएं धमकी को, कोई पॉलिसी बनाए। ये बिलावल भुट्टो का नहीं है मेरे को? हाँ जी, अगर आप उनका नाम लाना चाहें तो आजकल उनका मूड खराब है। बिलावल का मूड खराब है आजकल? किस वजह से? धमकी? और आप अपना जो ये जो गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं इस हफ्ता, आप लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं, आपकी मुखालफत बढ़ जाएगी, आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, तो गुस्से से काम न लें। अच्छा, वैसे तो मैं और मजा ये है या बदमजगी ये है, मजा मैं गलत क्या कहूँ, बदमजगी जाएगा, आपके रोमानी मामला भी मुश्किलात के शिकार हो गए आपके बदमिजाजी से, तो आप रोमानी मामला का तो कुछ ख्याल करें, और बजाय गुस्सा के थोड़ी सी नरमी पैदा करें। एक बात वाजे नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं, और आपको
बहुत ज़्यादा आगे चलकर मजीद कामयाबियाँ आ रही हैं, आपके माली सूरत बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है, आप मौजूदा जो तनकीदी मूड है, गुस्सा है, इसमें नरमी पैदा करें और अपने लिए मजीद मसाइल पैदा ना करें, माली मामलात पर तवज्जो दें जो इस वक्त 100% आपके हक में है। अच्छा, तो यूँ आप समझिए ज़रात, आपकी लाइफ नज़र आती है। अब मैं आता हूँ लिब्रा, लिब्रा की मिजान। आप पहले तो हमने ये शोर डालते रहे हैं कि आप ज़रूर ज़्यादा साथ करने वालों के वजह से धोखे में आए हुए हैं। आज मैं कुछ और इजाफा कर रहा हूँ, वो ये है कि आप दूसरों को ज़रूर ज़्यादा दूसरों पर तकाजे कर रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं। यू आर मोर एंड मोर प्लेस एंड डिमांड द पान अदर, और अपनी मर्जी उन पर ठोंस रहे हैं। ऐसा आप ना करें, इस तरह आप हालात ख़राब होंगे, इस तरह आप कहाँ तक चलेंगे और दूसरों को इस तरह आप कहाँ तक अपने साथ लेकर चलेंगे। आपको चाहिए कि आपके दूसरों की हिम्मत अफजाई करें और उनकी हमायत करें, जोश मार कर बग़ैर सोचे समझे कि आप और अपने रोमानी मामलों को भी ख़राब कर रहे हैं। बाद में आप बड़े पछताएंगे इस रोमानी मामले को ख़राब करके, और रोमानी मामलों में आप अपना एतमाद खो चुके हैं। यहाँ काम की जगह पर खाम खा की तू तू तकरार नज़र आ रही है, झगड़े नज़र आ रहे हैं, और रोमांस में चिड़चिड़ापन से भी बचे। तो सेंट्रल पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अपना दूसरों पर अपने आप को न ठोंसें, तावन की फ़ज़ा पैदा हो, लेन देन के लिहाज से तावन की फ़ज़ा पैदा करें, दूसरों को जीतें, और आप इतनी डिमांड करें कि दूसरे उसको हल करने की, या दूसरों को एहसास हो कि ये डिमांड जो है हम हल करने के काबिल हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड जो है दूसरों पर ठोंस रहे हैं। तो स्कॉर्पियो हजरात, अकबी हजरात, आप अपने घरेलू मामलात और कोई ज़ाती इस किस्म के मामलात तो आप हल कर रहे हैं और हल कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और ये जो आपका कंट्रोल नहीं है गुस्से में आकर मामलात हल करने के बाद मजीद मामलात आप पैदा कर रहे हैं। तो आप इस तरह अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आप कब तक इन मसाइल का हल तलाश करेंगे और क्या करेंगे? अपने जज्बाती अपने आप पर और जज्बाती जिंदगी को कंट्रोल करने, रोमानी मामलों में भी आपने अपना मामला ख़राब कर दिया है, आपके रोमानी सूरत हाल भी आपके खिलाफ हो चुकी है। नंबर तीन आपके लिए, जहाँ आप काम की जगह है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी यही चिड़चिड़ापन है आपका, उसकी वजह से भी आपने वहाँ के मामला अपने काम की जगह के मामला जो हैं वो ख़राब किए हुए हैं। देखिए आप पुरसकून हों, पुरसकून रहें, और ये जो काम के मामले आते हैं वहाँ मुश्तरी आए हुए हैं, तो जहाँ तक काम का तलाक हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये आप अकरबी हजरात हैं, मरीख आपका रूलर है, आप अपने आप पर कंट्रोल करें और इन मामलों को हल करें। कब तक आप इस तरह मामले बनाते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे? आपके मामलों कुछ हल हो रहे हैं घरेलू मामलों। अब मैं आता हूँ अपने अगले बुरज की तरफ, जैसे हम कहते हैं स्कॉर्पियो कहते हैं, तो अपना सेजिटेरियस कहते हैं कौसी जी, तो मैं आता हूँ कौसी हजरात की तरफ, जिनका हम सेजिटेरियस कहते हैं। वो काफ़ी मामलात में कामयाब होते नज़र आते हैं और कामयाबी उनका साथ दे रही है लेकिन माली मामलात की वजह से आप में चिड़चिड़ापन पैदा हो चुका और आप परेशान हैं। आप पुरसकून तरीके से माली मामलात को हल करने की कोशिश करें और इन करीब आप इन माली मामलात को हल कर लेंगे। घरेलू जिंदगी में भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ सकता है, वक्ती तौर पर आप इसको बर्दाश्त करें और घरेलू मामलात का हल भी बहुत जल्दी निकल आएगा। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि आपकी औलाद के से मतलब जो मामलात हैं उन पर बहुत ही अच्छे सितारे के असरात पड़ रहे हैं, अच्छी किरणें पड़ रही हैं मुश्तरी की, तो आपके जो औलाद से मतलब मामलात हैं वो हल होंगे, जिससे आपका सुकून हासिल होगा। सेहत ठीक रहेगी इस हफ्ते में प्रसन्न? वेल सर, हेल्थ इनकी ठीक रहेगी? हेल्थ जो है वो, क्योंकि आप पहले बताते रहे कि क्रॉनिक मसले आ रहे हैं, वो हेल्थ जो है वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके छठे खाने में यूरेनस बैठे हुए हैं। जब भी यूरेनस की चांद से या किसी और प्लैनेट से बुरी नज़र बनती है तो आपको सेहत का मसला पैदा हो जाता है,
और ये पिछले 3-4 सालों से जारी है, अगले 2-3 साल रहेगा। तो जैसे कि बहुत ही सही उन्होंने मौके पर सवाल किया है, आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अक्सर आपकी सेहत ख़राब रहती है। या अपने आप डाइट्स बदल दें, डाइटरी हैबिट्स को बदल दें, कुछ तब्दीली लाएं ताकि आपकी सेहत जो है आपके माफ़कत हो। ठीक हो गया, अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न जदी असल बुरज की तरफ, जो बहुत बड़ा बुरज है और उससे ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। आपकी जदी हजरात, आपकी माली सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है, आपने कुछ ऐसे कदम, ऐसे कुछ स्टेप लिए हैं माली मामलात के हवाले से जिससे आपकी ये सूरत हाल बेहतर होती नज़र आती है। लेकिन आप घरेलू मामलात को तवज्जो दें, आपको अपनी कारकर्दगी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, वरना घर में भी कोई झगड़े की सूरत बनती नज़र आती है। आप अपने रवैये में नरमी पैदा करें और नहायत ही आम कामों को हल करने की कोशिश करें। आने वाले हालात में कोई बेहतरी आ रही है, आपके लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, तो उन मामलात के लिए, हालात के लिए जो कोई बेहतर होने वाले हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे अच्छी खबर आपके लिए यही है कि आपके मामली मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और हेल्थ कैसी है इनकी भी? हेल्थ ठीक है, ठीक है। उनके बारहवें खाने में पहले प्लैनेट जो था वो मौजूद रहा है, अब वो बात नहीं रही सेहत की जितनी कि पहले ख़राब रहती थी, या जो इनके बदखा हैं उन्होंने बहुत इनको नुकसान पहुंचाया है, जिनको इन्होंने अपना समझा हुआ था, वो 2.5 साल जो है वो लगे रहे हैं इनके खिलाफ, और वो फिर कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से इनको तरह तरह की परेशानियों से वास्ता पड़ा था, वो बदखाओं वाला प्लानट निकल गया है। अब इनके हालात अच्छे हैं, बशर्ते कि ये अपने आप को तनकीद से बाज रखें, ठीक, या मैं यूं कहूं कि ये बनते बनते हालात को फिर न बिगाड़ दें। और वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में नज़र आ रहा है, ठीक, सफर है इनका कोई? 25 जुलाई को ये अपने हालात फिर ख़राब करते नज़र आते हैं। 25 जुलाई को जैसे कि आपने नोट किया होगा, 2-3 साल से आपके साथ हूँ मैं, तरह तरह की वजह से, तरह तरह की एंगल से आपको बताता रहा हूँ कि ये हालात फिर ख़राब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का ये प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न, तो आप बिल्कुल आगाही देते रहे, समझाते भी रहे हैं कि जरा हाथ थोड़ा रखो, लेकिन फिर वही होता रहा, अब फिर वही 25 जुलाई को होने वाला है, और ये सूरत हाल जो है आपके सामने आने वाली है। ठीक है जी, अब आगे आ जाए जी। एक्वेरियस दलवी हजरात। हाँ जी, दलवी हजरात, आप दूसरों ऐसे ना करें, आप अपने जो आपके सलाहित हैं आप उससे काम लें, खुद इत्मादी पैदा करें, अपने सलाहितों से काम लें, अपने मामलात खुद हल करें, इसमें मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद मामलात हल कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो चमक दमक पैदा हो चुकी है, लोगों ने आपको अपना लीडर बनाए हुए हैं, आपके वो साथ चलना चाहते हैं, आपके लिए वो रत्बुलसाह हैं, रत्बुलसाह से मेरा दिया कि आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप उसको समझिए, और लोगों को आपने जिस खुद इतमादी से, पूरे इतमादी से, हिम्मत से एक स्टैंड लिया हुआ है, उस पर आप कायम रहें। ठीक, आपने सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूरी है, वो ख्याल रखिए, माली सूरत हाल के बारे में कभी कभी सोच लिए करें। पाइसेस होती हजरात, पाइसेस हजरात, आपका ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जून का महीना था, और ख़ासतौर पर जून की 13 तारीख, आज क्या तारीख होगी सर, 13 तारीख के बाद वो प्लैनेट है जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा। आप अगर जायदाद का लेन देन का कोई मसला है, या जायदाद के लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं, आप आगे बढ़ें, आपको जायदाद की खरीद फरोख्त से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है, ये जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं इनसे बचें, ये आपके ख़िलाफ़ हैं, वो बदलते रहते हैं और आपके उन्होंने मसाइल पैदा किए हुए हैं, और उनकी वजह से आप मसाइल से दो चार हैं, और अगर आपने कोशिश न की बचने की, 2-3 साल आगे मजीद ऐसे ही होता रहेगा, ये रिश्तेदार आपको ख़राब करेंगे, कर रहे हैं, उनकी राय पर कभी इत्माद न करें, खुद फैसला करें। बाकी आपका बार भी खाने में, जिसकी वजह से आप बैठे बैठे मुतफक्कर हो जाते हैं, फिक्र करते हैं, तबीयत में थकावट आ जाती है जिस्म में, और आप महसूस ऐसा लगता है आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, लेकिन चूंकि आपके खाने माल में मुश्तरी आए हुए हैं, आपको मुबारक हो, ये मुश्तरी 7-8 महीने रहेगा, 28 अप्रैल 28 अक्टूबर तक रहेगा, आपकी माली सूरत हाल बहुत बेहतर होने वाली है।